दोस्तों ये है TVF Apache 200 और इसके सेल्फ में प्रॉब्लम आ गई है। जब हम सेल्फ मारते हैं तो इसके अंदर से आवाज़ आती है, स्टार्ट तो हो जाती है फिर भी इसके अंदर आवाज़ आती है ठक जैसी, तो मैं आपको पहले आवाज़ सुना देता हूँ। दूसरा मुझे काम करना है ये देख पा रहे होंगे इसकी जो शाफ्ट है ये टूट गई है, मतलब ये इसके दांत जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, तो इसके लिए हमें ये शाफ्ट डालने के लिए पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको पहले इसकी आवाज़ सुना देता हूँ कि जब हम सेल्फ मारते हैं तो इसके अंदर खड़क की आवाज़ आती है और वो किस चीज़ की है, तो चलिए। तो दोस्तों इसके अंदर हर बार नहीं आती है, कभी कभी आती है ज़ोर से, एकदम आवाज़ आती है जैसे अंदर कुछ आपस में लड़ रहा हो। तो चलिए हम इंजन खोल लेते हैं। तो ये हमने फाइनली बाहर निकाल लिया है, तो चलिए अब इसको खोल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर सेल्फ के अंदर इधर क्या प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों फाइनली हमने ये पूरा इंजन खोल के फिट भी कर दिया है और ये हमने शाफ्ट इसकी नई डाली है, गरारी वाली शाफ्ट, और ये है इसकी पुरानी वाली शाफ्ट। ये देखिए ये इसके दांत टूटे हुए हैं, तो ये हमने नई डाल दी है। और मैं आपको बता दूं ये क्लच वन वे डालने के लिए हमें पूरा इंजन नहीं खोलना पड़ता है, हमने शाफ्ट डाली इसलिए हमें ये पूरा इंजन खोलना पड़ा, और ये डालने के लिए हमें वन वे क्लच डालने के लिए हमें सिर्फ मैग्नेट वाला ही कवर खोलना होगा, मैग्नेट खोलना होगा और ये पड़ जाएगा। ये है इसका मैग्नेट और अब हम इसको फिट कर लेते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 885 रुपये इसका प्राइस है वन वे क्लच। और तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये है इसका मैग्नेट और ये मैग्नेट के पीछे फिट होगा, और इसके तीन नट होते हैं एलकी वाले, और कई बार ये एलकी वाले नट भी लूज हो जाते हैं तब भी इसमें से आवाज़ आने लग पड़ती है। ये तीन नट, और ये आपको अच्छी तरह से टाइट करने होंगे क्योंकि कई बार ये लूज भी हो जाते हैं, तो ये हमको अच्छी तरह से ये नट टाइट करने होंगे। कई बार ये लूज हो जाते हैं तो इसके अंदर जो कॉइल होती है वो कॉइल भी ख़राब हो जाती है क्योंकि ये नट जो हैं ये बाहर आ जाते हैं। दोस्तों अगर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और इसमें से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है खट 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 की, तो या तो ये नट लूज होते हैं या फिर ये वन वे क्लच ख़राब हो गया होता है, और या फिर इसके जो मैग्नेट और सेल्फ के बीच में जो गरारी होती है छोटी सी ब्रेक दांत वाली, वो कई बार उसके दांत टूट जाते हैं तब भी ऐसी आवाज़ आने लग पड़ती है। ये सिर्फ तीन कारणों के वजह से ऐसी आवाज़ आती है या फिर हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, ऐसा भी होता है। अगर ये वन वे क्लच ख़राब भी हो जाता है, ज़्यादा ख़राब होता है, तो गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होती है और आवाज़ भी बहुत आती है। और ये हमने वन वे क्लच फिट कर लिया है और
अब हमें इसकी गरारी इसके अंदर फंसानी होगी और ये एक साइड को फ्री होती है बिल्कुल और एक साइड को ये टाइट होती है, मतलब एक साइड को ही घूमेगी दूसरी साइड को नहीं घूमेगी ये। तो ये हमने इसके अंदर फिट कर लिया है, तो जल्दी से हम इसको दोस्तों फिट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो तीन नट हैं एलके वाले और ये भी कई बार लूज हो जाते हैं तब भी ऐसी आवाज़ आने लग पड़ती है, और ये हमने गरारी वगैरह फिट कर ली है और आपको हम दिखाते हैं ये गाड़ी स्टार्ट करके। ये हम चलिए टापा वगैरह इसका लगा लेते हैं, फिर मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने इसको फिट कर दिया है, ये इंजन बिल्कुल रेडी है, अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है इसका पुराना वन वे क्लच और ये हमने नया डाला है।